गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज माई सेकेंड क्लास. एज यू नो, इन माई फर्स्ट क्लास आई इंट्रोड्यूस योर 12th सिलेबस. सो टूडे वन सेकेंड आई एक्सप्लेन दिस 12th सिलेबस. एज यू नो, इकोनॉमिक्स हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल टू पार्ट्स, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी. बोथ पार्ट्स द क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम 40 मार्क्स. नाउ टूडे आई ओनली एक्सप्लेन अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट. दीज आर द क्रूशियल चैप्टर्स, और यू कैन से द मेन टॉपिक्स और मेन चैप्टर्स. द फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम. ईच एंड एवरी चैप्टर देर इज ऑल्सो सब चैप्टर सब टॉपिक ऑल्सो देयर. सो फर्स्ट वन नेशनल इनकम, द सेकेंड वन मनी एंड बैंकिंग, द थर्ड वन केन्शियन इकोनॉमी. केन्शियन इकोनॉमी एक्चुअली दिस चैप्टर इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट. इट्स डिवाइड्स इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स that introduce the concept of economy, that is closed economy and open economy concept. And here you all know in a near future about the multiplier process also. And in our fourth chapter, coming to this fourth chapter, common budget, and the last chapter, that is foreign exchange market and balance of payments. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पार्ट है, इसमें ये नेशनल इनकम के जो चैप्टर है, इसमें से आप लोगों को एक न्यूमेरिकल मिलेगा. जो काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये बहुत हार्ड होता है, ये डरने से ये लोग बच्चे खुद ही डर जाते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करें, इसका सॉल्व कैसे करें. तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल है, जैसे जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे, इसके जो बेसिक ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स आप लोगों को मैं सिखाऊंगा ताकि ये आसान हो जाए. और उसके बाद ये जो केन्शियन इकोनॉमी है, इसमें से भी आप लोगों को न्यूमेरिकल करना पड़ेगा. और ये लास्ट जो आप लोगों के लिए कॉमन बजट, इसमें भी आप लोगों को न्यूमेरिकल करना पड़ेगा. और मैं आशा करता हूँ ये न्यूमेरिकल पार्ट ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए, और इजी हो भी सकता है क्योंकि इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बोला कि मेरे जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को आकर आप लोग सही तरह से उसको फॉलो करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हर कोई चीज़ आसान हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न की. क्वेश्चन पैटर्न भी आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि वन मार्क की क्वेश्चन, वन मार्क क्वेश्चन कमिंग टू द सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इधर MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, और इवन डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो कम, एज वेल एज 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन. तो स्टूडेंट, ये था मेरे इंट्रोडक्शन के जो फर्स्ट लेक्चर, मेरे जो रिकॉर्डेड क्लास.